नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित नौकरी जोन में आपका एक बार मैं फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए लाया हूं 17 दिसंबर यानी आज जो इंडियन रिजर्व बटालियन का एग्ज़ाम हुआ है उसका आंसर की झारखंड राज्य से संबंधित प्रश्नोत्तरी 41 क्वेश्चन नंबर से लेके क्वेश्चन नंबर 90 तक आपका झारखंड स्टेट से संबंधित क्वेश्चन का आपको हल लाया हूँ। और मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल बटन को दबाएं, और यह वीडियो आपको यदि पसंद आए तो लाइक बटन दबाना ना भूले। दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। एक चीज़ और बता दूँ, आप यदि हमसे अच्छा से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें टेलीग्राम नेटवर्क से हमारे साथ जुड़ जाइए और फेसबुक पेज से भी जुड़ जाइए। इसका दोनों का लिंक हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी कुछ ही देर के बाद मैं सामान्य अध्ययन का और विज्ञान का और बाकी सारों का भी मैं वीडियो डालने वाला हूँ, इसी चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। आप प्रतीक्षा कीजिए, सारे का लिंक इसी वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, झारखंड का नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो इसके आपके चार यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जो आपका राइट आंसर है वह है आपका ए, जमशेदपुर के निकट कांड्रा में, इसका राइट आंसर है। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, 1920 के दशक में आदिवासियों का कौन सा आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन के साथ जुड़ गया था? तो यह है आपका ए, ताना भगत आंदोलन, जिसके नेतृत्वकर्ता जो थे वह आपका जतरा उरांव थे, और यह जतरा उरांव। इसके बाद आपका अगला है, जमशेदपुर में जन्मी निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री टीवी सीरियल बालिका बाधो में आनिंदे के रूप में मुख्य भूमिका के लिए प्रसिद्ध है? ये मैं आपको क्वेश्चन बता चुका हूँ। इसका आंसर है आपका ए, प्रत्युषा बनर्जी, इससे पहले वीडियो पोस्ट किया गया था इसी से संबंधित। इसके बाद है आपका 44 का, रांची में जन्मी दीपिका कुमारी एक महिला खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? आपके यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है वह है आपका बी, तीरंदाजी। इसके बाद है आपका, कृषि विभाग के अनुसार झारखंड कितने जलवायु उप क्षेत्रों में विभाजित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका सी, थर्ड, तीन आपका कृषि जलवायु उपक्षेत्र में विभाजित किया गया है। इसके बाद है आपका, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के अनुसार इनमें से कौन फूल झारखंड का राजकीय आपका पुष्प माना जाता है? तो यह है आपका ए, पलाश। इसके बाद है आपका, महाभारत युग के ऋग्वेद में वर्णित किक्कट प्रदेश झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका बी, गिरिडीह, गिरिडीह में स्थित है दोस्तों। इसके बाद है आपका, झारखंड सरकार का एक योजना बना रही है जिसके अंदर ग्रामीण महिलाओं को सशक्त किया जाएगा। यहाँ 15 महिलाओं का एक छोटा समूह छोटे छोटे उद्योगों स्थापित कर सकता है ताकि उनकी सालाना आय बढ़ा सके। इस योजना का क्या नाम है? आपके यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसका राइट आंसर है ए, उद्यमी सखी मंडल योजना, सही आंसर है इसका। इसके बाद है आपका, झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था, इसमें झारखंड राज्य के गठन के लिए महत्वपूर्ण कदम माना गया है। बिहार सरकार द्वारा इस परिषद का गठन कब किया गया? और इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ए, आपका 95, 1995 को। इसके बाद है आपका, 57 में है आपका, संथाल परगना धर्म पर खेरवाल बंधो ढोरम पुथी नामक एक पुस्तक प्रसिद्ध किसने लिखा है? आपके यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसका आपका राइट आंसर है बी, मांझी रामदास टूडू, सही आंसर है इसका। इसके बाद आपका, झारखंड में लोक संगीत एक रूप निम्न में से कौन सा है? आपके यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए, जनी झूमर। इसके बाद है आपका, वे प्रसिद्ध भारतीय मानव वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने झारखंड में जनजातियों का वर्गीकरण उसके संस्कृति के आधार पर किया था? तो ये थे ए, ललित प्रसाद विद्यार्थी जी, ए राइट आंसर है इसका। इसके बाद है आपका, झारखंड वनों और झाड़ियों की भूमि शुरुआत भर किस राज्य का हिस्सा था? तो यह दोस्तों आप लोगों को तो पता ही होगा, इसका आपका बिहार का हिस्सा था, सही राइट आंसर है। इसके बाद आपका है अगला है,
कंघी कट यानी कोब कंठ पेंटिंग झारखंड के निम्नलिखित जनजाति में से किसकी एक अनूठी परंपरा है। इसमें ऑप्शन से उरांव, कुर्मी, मुंडा, तुरी। दोस्तों ये दोस्तों आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा प्लीज़। मुझे उम्मीद है आप लोग इसको इग्नोर नहीं कीजिए। इसके बाद है झारखंड की खान और भूविज्ञान सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव के अनुसार खनिज का अनुमानित उत्पादन कितना होगा जो राज्य से प्राप्त करने की कोशिश की। और इसका जो राइट आंसर है वह है आपका डी 200 मिलियन टन। सही उत्तर है इसका। इसके बाद आपका फरवरी 2017 में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में कोयला और खान के 29 खानों की नीलामी के यह संदर्भित किया जा रहा है किसके बारे में। तो इसका राइट आंसर है आपका बी पीयूष गोयल। उस समय पीयूष गोयल जी आपका कोयला और खान मंत्री थे, अभी फिलहाल करंट में ये रेलवे मंत्री है। निम्नलिखित में से कौन झारखंड के मलार और नेथी जनजाति के पारंपरिक प्राचीन धातु शिल्प है। तो वह है आपका ए डोकरा। राइट आंसर है इसका। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो झारखंड से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस पोस्ट किए गए हैं जो आपको आने वाले सभी प्रकार की एग्ज़ाम्स में हेल्प करेगी। और मैं जल्द ही कंप्यूटर और आपका हिंदी जो आपका पंचायत सचिव के से रिलेटेड है, विज्ञान का, सभी के वीडियो मैं पोस्ट करने वाला हूँ। अब हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको विश्वास दिलाता हूँ हमारे चैनल के जुड़ने से आपको ज़रूर कुछ लाभ ही होगा। इसके बाद है आपका निम्नलिखित में से कौन से पहले व्यक्ति थे जो एक मास्टर और डायरेक्टर की डिग्री प्राप्त करने। आपका विष्णुपद के संथाल और गोसाल दंगा आदिवासी सेवा GASS के सदस्य थे। और इसका जो राइट आंसर है वह है आपका डी सोना मुर्मू। राइट आंसर है। इसके बाद है आपका इंडो आहासी ग्लास कंपनी लिमिटेड झारखंड में इसमें किस जिले में है। वह है आपका सी रामगढ़ में इसका राइट आंसर। इसके बाद है आपका 2003 में रांची में आदिवासी देसी भाषा के वैज्ञानिक स्क्रिप्ट झारखंड के संगठन के आपका स्थापना किया गया था। तो इसका राइट आंसर है आपका बी झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति अखरा। इसके बाद है आपका आदिवासी अधिकारों के उल्लंघन विरोध में अपने निडर कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसको आयरन लेडी ऑफ झारखंड कहा जाता है। तो आपको लोगों को पता ही होगा यह डी दयामणि बारला को आयरन लेडी ऑफ झारखंड कहा जाता है। इसके बाद है उद्योग खनन विभाग के अनुसार झारखंड में चाइना किले यानी चाइना मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। और इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ए पश्चिमी सिंहभूम में, रांची में और हजारीबाग जिला में। इसके बाद है आपका नीचे दिए गए सूची में खिलाड़ी हॉकी से संबंधित जो है आपका झारखंड से उनको आपका बताना है। और आपका जो यह है इसका आंसर है वह है आपका बी केवल एक और दो। एक सही है आपका जो आपका हॉकी से रिलेटेड है आपको जयपाल सिंह मुंडा, ये पता ही होगा। दिवाकर प्रसाद जो है यह आपके बॉक्सर हैं, बॉक्सर है दिवाकर प्रसाद जी। इसके बाद है आपका सितंबर 2017 तक निम्न में से किसने 3 बार झारखंड मुख्यमंत्री का पद संभाला है। इसका जो राइट आंसर है वह है आपका सी है बाबूलाल मरंडी। सॉरी दोस्तों इसका राइट आंसर है बी शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा इसका राइट आंसर है। इसके बाद है आपका निम्नलिखित में से कौन खनिज झारखंड के पलामू गढ़वा लातेहार जिले में पाया जाता है जो कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट एक कार्बोनेट खनिज है जो यह एक सामान्य अवसादी चट्टान है। इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ए डोलोमाइट राइट आंसर है। इसके बाद है उद्योग खान और भूविज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड की स्वामित्व वाला भारत के कुल खनिज संसाधन में कितना प्रतिशत है। तो वह है आपका ए 40% राइट आंसर। इसके बाद है आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वर्ष 2010-11 में कौन सी योजना शुरू की। तो यह जो आपकी योजना थी वह थी आपका सी इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना राइट आंसर। दोस्तों मैंने कोशिश किया है कि आपको राइट आंसर दे सकूं, यदि किसी भी कारणवश गलती हो जाता है तो प्लीज़ उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसके बाद है आपका झारखंड राज्य उद्योग नीति 2012 के मुताबिक कितने प्रमुख क्षेत्र है जहाँ राज्य को कच्ची सामग्री भंडार औद्योगिकरण के आधार पर विभाजित किया गया है। तो वह आपका है ए 8 आंसर 8 क्षेत्र। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा बांध झारखंड के रांची जिले के और मांझी टाउन में उत्तरी छोटा नागपुर के पठार के उत्तर पूर्व किनारे में है। तो वह है आपका ए गेटल सुद बांध आपका राइट आंसर है। आपका रांची के और मांझी प्रखंड के अंतर्गत आता है। इसके बाद है झारखंड में कोहबोर और सोहरा चित्रकारी
नाजुक और सुंदर कला का रूप है जो मुख्य रूप से किसके द्वारा अभ्यास किया जाता है? ये आपका, इसका राइट आंसर जो है आपका बी, विवाहित महिलाएं द्वारा कोहबर का निर्माण कराया जाता है। इसका मतलब होता है कोहबर का प्रेमी जोड़े गुफा के अंदर। इसके बाद है आपका, झारखंड का एक युवा राज्य के रूप में भारत के विकसित और समृद्ध राज्यों में एक बनने के प्रयास, यह विशाल क्षमताओं से भूमि खेलगांव में यहाँ झारखंड ग्लोबल समिट के उदाहरण के सदर किसने कहा था? आपका रघुबर दास जी ने, ए, जो अभी वर्तमान CM है। इसके बाद है आपका JASCOLAMPF, झारखंड सरकार द्वारा आयोजित एक शीर्ष सहकारी संस्था विशेष रूप से निम्नलिखित में किस उत्पाद को बढ़ा देता है? यह आपका लाह के उत्पादन को बढ़ावा देती है। इसके बाद है आपका, निम्नलिखित किस अधिनियम के अंदर आदिवासी गांवों के वन क्षेत्रों को संरक्षित वन के रूप में बदला गया था जिन्हें वन अपने पारंपरिक अधिकारों से वंचित हो गए? वह था आपका ए, भारतीय वन अधिनियम, जो कि आया था आपका 1882 को आया हुआ था। इसके बाद है झारखंड के वरुण एरोन निम्नलिखित किस खेल से संबंधित है? वरुण एरोन जो है वो आपका बी, क्रिकेट क्षेत्र से संबंधित है। इसके बाद है आपका, रांची पठार प्लेटो छोटा नागपुर प्लेटो किस हिस्से में स्थित है? यह आपका बी, पश्चिम क्षेत्र में आपका स्थित है। अगला है आपका, झारखंड राज्य औद्योगिक नीति 2000 के मुताबिक निम्नलिखित कौन सी कच्ची सामग्री भंडार औद्योगिक घाटशिला क्षेत्र के संबंधित है? वह आपका है तांबा और वन आधारित, ए राइट आंसर है इसका। इसके बाद मैथन पावर लिमिटेड दामोदर वेल DVC टाटा पावर की संयुक्त उद्यम कंपनी है झारखंड में किस स्थान पर है? यह आपका जो मैथन पावर प्लांट है वो आपका धनबाद आपका डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। यह आपका मैथन पावर जो है आपका वो बराकर नदी पर बनाया गया है 1958 में बनाया गया है, और DVC जो है आपका हम लोग को पता ही होगा 1948 में आपका स्थापना किया गया दामोदर वैली कॉरपोरेशन का। इसके बाद है आपका, वर्ष 1967 में चौथे आम चुनाव के बाद बागुन सम्मेलन निम्नलिखित किस पार्टी का नेतृत्व किया? तो वह था आपका सी, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी। इसके बाद है आपका, इनमें से कौन से लेखक ने रांची में अपनी पढ़ाई पूरी की और लव एट फेसबुक नामक पुस्तकें लिखी? और इसका जो राइट आंसर है वह है आपका बी, निकिता सिन्हा राइट आंसर। इसके बाद है, झारखंड में बिरसा मुंडा के गेट ट्रूमल्स इनमें से कौन से नाम से जाना जाता है? तो वह है आपका बी, धरती आबा का उलगुलान। इसके बाद है, 1940 में टनाव का शुरू किया जिसमें 25,000 से अधिक आदिवासी हिस्सेदारी हुई थी? वह था आपका जत्रा उराव, सी राइट आंसर। इसके बाद है आपका, नीचे दिए गए आपका सूची में से खिलाड़ी जो कौन से खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज है, तो मतलब इंटरनेशनल जो बॉक्सर है झारखंड की तरफ से आपको इसमें सिलेक्ट करना है, तो दिवाकर प्रसाद, लक्ष्मी पांड्या और मिशेल बेंजामिन लकड़ा तीनों ही जो है आपका दोस्तों वो आपका जो है इंटरनेशनल बॉक्सर है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी, 1, 2, 3। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन जो है वह है आपका, वो कौन से पद्मश्री पुरस्कार विजेता जिन्हें अपने व्यापक वृक्षारोपण जल संरक्षण प्रयासों के झारखंड के हजारों लोगों का जीवन बदल झारखंड का जल पुरुष भी कहा जाता है, यानी झारखंड का वाटरमैन भी कहा जाता है? तो वह है आपका सिमोन उरांव, डी राइट आंसर। दोस्तों कुछ ही घंटों के अंदर हमारे सामान्य अध्ययन का और विज्ञान का भी आपका अपलोड हो जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।